बता दोगे कि ये किया तो हम ये कर देंगे। इसमें बॉडी का दिमाग का रिफ्लेक्स चाहिए आपको। जो लोग नहीं आए उनको बता दें थोड़ा सा 5 मिनट बेसिक सेल्फ डिफेंस की चीज है, जो आपको रोजमर्रा में काम आने वाली चीज होती है ना। कल के आगे नए चैप्टर चलते हैं। आज जो बताएंगे वन बाय वन आपको पार्टनर के साथ में करना होगा, ठीक है। आज ग्रिप पकड़ना और छुड़ाने की बात हो रही। कोई पकड़ लेता है तो कैसे आपको छुड़ाना है, सिंपल था, बिल्कुल ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे पकड़ लिया पीछे से पकड़ लिया, किसी भी पीछे से पकड़ा आपने, ऐसे पकड़ लिया, कैसे पकड़ लिया, ठीक है, सिंपल है। तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो आपके पास क्या है हथियार। मैंने कहा था ये हथियार बहुत बड़ा है आपके लिए, बताने के बाद तो है कि ये हथियार आपका बहुत बड़ा, ठीक है। इसी से एल्बो आती है, उसके बाद क्या करना, हाथ ऊपर करिए, बैठ जाएगा ना। आप इसके लिए और सिंपल ले लीजिए, ये वाली तो आपने एडवांस ले ली, सिंपल सको ऐसे ही पकड़ लीजिए, ठीक है। ये पकड़ लिया, हाथ यहाँ से लीजिए, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ से ये पकड़ा, करना पड़ेगा, ये नहीं करिए। ये आप सिंपल ये पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए, सिंपल नहीं वो पकड़ लीजिए, ये तो ठीक है ना। अब करना पड़ेगा, पहले देखिए आपके नहीं करेंगे तो आगे नहीं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो यही था, आप हेड बचा सकते हैं। दूसरी हाथ ऊपर ले जाते हुए नीचे, मनोरंजन नहीं हो रहा है, कुछ सीखना है ना। हाथ छक्के से ऊपर और नीचे बैठ जाइए आप, अगर दोनों हाथ आपके अंदर है, दोनों हाथ अंदर, ये हाथ हाथ के ऊपर से अगर तो, ठीक है, हाथ ऊपर करते हैं स्लिप होता है और नीचे हो जाइए, हाथ आपके इधर है सपोज, ठीक है। सबको बहुत ज़्यादा फ्री, आपका सिर तो है, कोहनी भी आपकी है, एल्बो भी है, राइट। और क्या है, इसके अलावा नीचे जा सकते हैं, गिरा सकते हैं पैर से, नीचे जाके पैर ले सकते हैं, ये भी सकता है, और ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप हाथ पकड़ लीजिए और खुद लुढ़क जाइए, यहाँ गीला है, हम लुढ़कते चले जाएंगे अगर तो ये भी गिरेगी, गिरते चले जाना, ठीक है। ये सबसे ईजी तरीके ये वाले थे आपके पास में, और भी है, आप कैसे भी पकड़े रहे, एक बताया था हमने, ये जो बीच का शिन का हिस्सा है, ये सबसे कमजोर है, फिंगर्स हैं, फिंगर्स पे या इसके ऊपर, करिए करिए करिए, करो कुछ तो, ये सीखने के लिए, देखो छोरी में सीखेंगे नहीं, पकड़ के करिए। ये पैर पे मारना नहीं है, पैर पे आपको खाली प्रैक्टिस करनी है, ये यहाँ करना है, दूसरी चीज आप यहाँ मार सकते हैं शिन पे, जो सामने का हिस्सा है, इस पे कैसे भी पैर आप मार सकते हैं, ठीक है, कैसे भी मार सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये है मेन, इस पे लगता है, इस पे ज़्यादा जगड़ी टूटने वाला, ये भी मार सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अभी सामने से हो रहा है, जैसे हाफ करिए, आपको पता रहेगा हमें करना क्या है, जैसे सामने से ग्रिप होती है, ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया ना, जो कल बताया था अभी, सामने से कैसे ही पकड़ लिया हाथ को, हथेली के ऊपर ये हथेली रखी, देखिए इसके ऊपर ये हथेली रखी, उधर साइड से सेम साइड से ये आपने रख लिया, ठीक है। दोनों हाथ लेके आप घूम सकते हैं, नहीं दोनों हाथ नहीं, यहाँ पे अगला आदमी देखिए मजबूत नहीं होता, अगला आदमी सिंपल पकड़ता है, पहलवान नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि हम आपको वो चीज़ सिखा रहे हैं कि पेशेवर कातिलों के लिए नहीं सिखा रहे हैं आपको, तो जो छोटी मोटी चीज़ें जो होती रहती हैं आपके साथ में, तो उसमें आदमी बिल्कुल जूझ के नहीं आता, वो सिंपल पकड़ लेता है, सिंपल के लिए बहुत ईजी है। फिर से देखिए दूसरी चीज़, फिर पकड़िए, ये है ना, अब यहाँ से इस हाथ से लिया, उल्टे हाथ से लिया आपने, ठीक है, जिधर का इनका हाथ था उसकी दूसरी तरफ के हाथ से ये लीजिए, ये पूरा, ठीक है। अब ये यहाँ से अगर ये नहीं घूमते हैं तो टूट जाती है, देखिए अगर ये नहीं घूमते आते तो ये टूट जाती है, ये यहाँ से करके आप ये भी कर सकते हैं। सिंपल आपका मकसद है छुड़ाना अपनी जान, यहाँ पे आपको जान लेना चाहिए, कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं बनाना है छुड़ाने के बाद, कोई फर्क नहीं है, कैसे ये लेफ्ट से पकड़े, चलिए लेफ्ट हैंड से इन्होंने पकड़ लिया, आपका राइट है, ये राइट है, हाथ तो घूमना ही है, हाथ को हथेली के ऊपर से लेना, इनके ऊपर से पूरा हाथ लेना आपको, तब ये उंगली अंदर जाएगी तो ग्रिप आएगी, और ये कर लिया आपने, ये भी नहीं करना है, आप कुछ नहीं करना है, ये करना है आप सिंपल ये कर लीजिए, सिंपल किसी भी ग्रिप में ये चलेगा, दूसरी तरफ से इनकी एल्बो की साइड, जिधर इनकी बैक है, इस साइड से जिधर इनकी बैक है
हाथ को वहीं का पकड़ लीजिए, वहीं पकड़ लीजिए, कैसे भी हमें पकड़ लेनी, इसको दबा लेना है, ठीक है। इसको दबा के इनकी एल्बो के साइड घूम जाइए, सिंपल, ये छूट जाएगा तुरंत, क्योंकि ये नहीं छूटा तो ये टूट रहा है, ये तुरंत छूटना है, ठीक है। इस हाथ से पकड़ा जैसे देखिए वही चीज़ है, तो जिधर एल्बो है इस साइड से आप हाथ को वहीं रोक लिया, आप इस साइड से आपको छूटेगा ही छूटेगा, ये तो एल्बो टूटेगी। वही चीज़ की इसमें कर रही थी आपको, फिर से देखिए आप हाथ पकड़ना है कहीं से भी, इट्स वेरी इजी। छोटी उंगली पकड़ लीजिए और तोड़ दीजिए इसको, छोटी उंगली टूट जाएगी, अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि ये हाथ आपका होता है छोटी उंगली के साइज में ही है, तो ज़्यादा इजी है। इसकी अंगूठा ही पकड़ सकते हैं, लेकिन अंगूठा थोड़ा हार्ड है, अंगूठे में पावर है, 5 उंगली में पावर है, छोटी उंगली में कोई पावर नहीं। इस हाथ से पकड़ लिया आपने, सपोज यही चीज़ इस हाथ से पकड़ लिया आपने, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। अब दूसरी चीज़ लगा रहे हैं, अंगूठा है उस साइड से आप पकड़िए, टूट जाएगा, उस हाथ से पकड़ी जैसे आप पकड़ा, अभी उंगली है, उंगली की साइड से नहीं जाता, इधर अंगूठा है, किस साइड से आप मोड़िए, किस साइड से आप करिए सीधा, किसी भी हाथ से पकड़िए, ये पकड़ा जी, अंगूठे की साइड तुरंत ब्रेक हो जाएगी, फिंगर की साइड ब्रेक नहीं होगी, इससे ये पकड़ लिया, इधर भी अंगूठा है, अंगूठे की साइड ब्रेक, हाँ वही चार और एक की सिंपल सीधा, जो वीक पॉइंट है उससे जाना है, और भी तरीके हो सकते हैं, आपको नहीं छुड़ाना है, पकड़ा हुआ है। हमने कल क्या कहा था, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, आप डिफेंस मत करिए, इसको मत छुड़ाइए, आपके बाकी तो हाथ पैर खुले हुए हैं ना, बताया था हमने हाथ की उंगली से लेके आपके कितने हथियार हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये चीज़ आपके जहाँ ताकत नहीं है, देखिए पावर नहीं है, ये कुछ याद किया, जहाँ आपके पावर नहीं है, ये पावर का है, आप ये कर सकते हैं, इसमें पावर नहीं चाहिए, आप नीचे से अगर लेते हैं ये चीज़ है, यह आपका सिर है, हाइट आपकी अगर कम है तो आप सिर को लेके नीचे से लेके आप खुद्दी पे बहुत मारते, खुद्दी पे बहुत तेज आती है, ये स्कल आपका बहुत मजबूत होता है, हथौड़ी से कम पे नहीं टूटता, ये डॉक्टर घंटों कोशिश करते हैं 6 हथौड़ी से तब खुलता है जाकर, है ना। आप ये कर सकते हैं, कुछ भी हिट कर सकते हैं, हिट आपने जैसे कहा पैर से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आप डिफेंस पे ध्यान मत दिए, आप अटैक पे ध्यान दीजिए, है ना, जो भी करना है अटैक यू कैन डू इट, घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और कोई हिप आपके दिमाग में है जो आप पकड़ सकते हो, मार सकते हैं, अच्छा हीटिंग में 5 मिनट में बचा हुआ 1-2 मिनट तो और है, अब सामने सामने की हीटिंग में है, आपका डिस्टेंस है, आपकी किक यहाँ तक तो जाती ही जाती है, पैर की किक हमने आपको बताई, पैर में घुटने पे, ठीक है, उसके बाद ग्रिप ग्रोइन पे सीधा सेंटर भी जाती है जहाँ तक जा सकता है, ज़्यादा क्लोज है तो आपका घुटना भी आ सकता है, ज़्यादा क्लोज में घुटना आता है, दूर है तो ये जा सकता है, अदरवाइज आपका दोनों हाथ रहता है, दोनों हाथ से इतनी चीज़ें हमने आपको बताई थी फेस पे, कि आपके पास यहाँ से लेके कितने वीक पॉइंट हैं, आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिंपल सा है कि कितना भी रेजिस्टेंस, देखो नाक में कुछ होगा नहीं अनलेस ये खुद ना फड़ाए। अब इसका सेकंड पार्ट क्या हुआ, देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, ब्रेक पकड़ ली है और उसके बाद हमें करिए, गिरना ही गिरना है, अगर आप यहाँ पकड़ लिए हैं अभी पीछे नहीं भाग सकते हो, पीछे नहीं भाग सकते हैं तो कमर टूटेगी या नाक टूटेगी या गिरेगा बंदा, इस पर कोई ताकत नहीं चाहिए आपको, पकड़ा हुआ है और मारा हुआ है, या इन्होंने ही पकड़ा हुआ है सपोज, तो आप करिए, अगर ये नहीं छोड़ते, अगर आपने आज किया है तो आप एक बार करिए, बढ़ सकते हैं तो दूसरी चीज़ें भी तो है ना, मैंने क्या कहा वो प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, आपको फर्स्ट क्या कहकर लेना है, फिर तो सेकंड के बाद थर्ड हमें भी लेना है, ठीक है, हाँ बचाव भी करेगा तो है ये से, तो आपको अगला स्टेप कर देना है, भाई हमने एक किया आपने कुछ किया तो फिर हमारे पास दूसरी तीसरी चौथी चीज़ें भी, तो 1, 2, 1, 3, 4 तो चलेगा ही जहाँ तक बढ़ा, ऐसा नहीं कि आपने एक मारा आप जीत जाएंगे, आप पहले से केवल चेतावनी दे सकते हैं कि मैं फाइट कर रहा हूँ और मैं चीख सकता हूँ इतनी देर में, पहले अटैक से बंदा नॉर्मल जो आपके छोटे मोटे छेड़खानी वाले जो होते हैं बस में टेम्पो में भीड़ में वो एक से ही दूर भाग जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, देखिए नॉर्मली जो आपके पास जो आते हैं वो यही होते हैं मैंने कुछ नहीं किया बहन जी मैं तो बहन शरीफ हूँ आपको गलत फहमी हो गई, उनके लिए पहला काफ़ी होता है, अब घरेलू हिंसा है या कोई मार धाड़ है या अकेले में आप लड़े वहाँ पर दूसरा तीसरा चौथा आता है, तो वहाँ पर आप रिवर्ट करने के साथ चिल्लाना शुरू करें, 2-4 लोग आ जाएंगे अच्छी बात है, नहीं चिल्लाने का इफेक्ट होता है जाता है, और नॉर्मली अगर आप अटैक करते हैं यानी रिवर्शन देते हैं तो बंदा पीछे हटता है, नॉर्मली क्या होता है कि हम डिफेंस ही करते चले जाते हैं, वो चेन छीन के भागा हम चिल्ला रहे हैं ये नहीं चाहिए, आपने पेपरों पढ़ा होगा चेन छीना लड़की ने पकड़ के मोटरसाइकिल से गिरा दिया, कुछ रिफ्लेक्शन ही तो है उस पर, कोई उसने लड़ाई नहीं करी, उसने झपट्टा मारा उसके गले में उसने हाथ पकड़ लिया इतना सही काम था, लेकिन क्विक रिफ्लेक्शन चाहिए, अगर हाथ पकड़ लिया तो गाड़ी के बंदे को गिरना ही था, और या उसको पकड़ के चिपक गए और चिल्लाते रहे फिर 4 लोग आ जाएंगे, तो जो आप क्विक कर सकते हैं
और घर के अंदर चीजें आपको बताई थी कल के लिए छोड़ दे छोड़ बजाय डरने के आप अपने आप छूट जाओगे हम बचाने की कोशिश ना करें मारने की कोशिश करें प्रैक्टिस के बिना योगासन नहीं याद होते हैं ना जुम्बा याद होता है।